एक तो इस मक्की का कद बहुत उच्चा जाता, ठीक है, खाने वाले ना। खैर वैसे ही मैं शायद चक्कर बंद आ लगता यार, की कर जाना एक झोना कितने इधर उठी जा रहे हैं। आ जा इधरों चल दे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुमान में रखे और दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। तो आज सुबह से लाइट नहीं थी हमारे एरिया में, तो मोबाइल भी बिल्कुल खाली था, जिसकी वजह से शुरू तो मेरा इरादा था सुबह से करने का, लेकिन सिर्फ बैटरी इसकी चार्जिंग ना होने की वजह से। तो अभी आई है लाइट तकरीबन जहर के वक़्त, तो उस वक़्त मैंने इसको चार्जिंग किया है। तो अभी असर की नमाज़ पढ़ के हम निकले हैं, आज मैंने इसको साथ निकाला है। कल मैंने इसको कहा था, कल तूने नहीं बुलाया मुझे इसको मैंने कहा था ये खुद नहीं आया, नहीं तो मुझे तुझे मैसेज करूँगा। तो मैसेज सिर्फ मैंने इसीलिए नहीं किया कि वो मैं अब्बा जी के साथ चला गया। तू मच्छी बनाने में बिजी था, फिश खा रहा था केला केला, मुझे सुला भी नहीं मारी इसने, केला केला खा गया, 2 किलो ले आ गया। अभी खाई नहीं है, खा तो गया ना, हजम भी कर गया। अब तो पड़ी है घर में, तो कल हम उधर चले गए थे स्प्रे वगैरह करवाने, इसलिए मैंने इनको मैसेज भी नहीं किया अचानक से, हमारा उधर प्रोग्राम बना जाने का। तो आज कहीं भी मूड नहीं था जाने का, सिर्फ इनसे मैंने रब्ता किया और आज हम निकले हैं। तो अभी फिर लाइट चली गई है, ये देखें ये ट्यूबवेल चल रहा था अभी, तो अभी लाइट गई है, पता नहीं क्यों इतना लाइट तंग करी है इस एरिया में, पहले भी इतना करती थी। आज ही कर रही है, तू जो आया हम भी कर रही है, वापस चला जा यार। तो देखें कब तक आती है अब। बना ला वीडियो बना ला। मैं क्या कोई सोचा छड़ूंगा। गर्मी काफी ज्यादा है, जान ही नहीं छोड़ रही है गर्मी, नहीं तो इस इन दिनों में काफी सर्दी शुरू हो चुकी होती है। तो अभी भी पसीना काफी आ रहा है, बस अभी चारा देखने के लिए आगे जा रहे हैं, अपनी जो भैंसों का चारा वगैरह बीजा हुआ है उसको देखने जा रहे हैं। वो भी पीछे बैठे मोबाइल वगैरह साफ कर रहे हैं, उनके मोबाइल में मिट्टी ज़्यादा आती है, तो लगे हुए हैं अभी। ये हमारा जो तकरीबन मैंने ही इधर खड़े होकर इसको बिजाई करवाया था, इसकी वीडियो भी डाली हुई है, लेकिन तकरीबन तैयार होने के करीब है। तो हमारा चारा दूसरी तरफ ही है, वो ख़त्म होगा तो फिर इसको हाथ लगाएंगे हम। बस थोड़ी सी देर होती है हमारा, इस टाइम अगर मूड होता है बाहर घूमने फिरने का, कुछ माहौल देखने का बाहर का, तो काफ़ी अच्छा माहौल होता है इस टाइम। तो बस थोड़ा सा टाइम ही हम बाहर गुजारेंगे, फिर वापस भी जाएंगे, क्योंकि खाने का टाइम भी है हमारा इस टाइम। तो खाना जब मैं आया था उस वक़्त घर वाले तैयार कर रहे थे, तो मगर इससे तकरीबन 15-20 मिनट पहले हमारा खाना शुरू हो चुका है होता है। तो कल की जो वीडियो है जो जिसमें मैंने कल दिखाया था, वो हम स्प्रे करवाने गए थे ना, उसकी वजह से लेट हो चुका था खाना, तो फिर हमने मगरी के बाद खाया था। तो कल तो फ़िश थोड़ी सी खाई थी हमने, तो फ़िश हम काफ़ी ज़्यादा लेके आए थे, ये दोस्त का भी एतराज़ है। तो कल मैं थकावट की वजह से जल्दी सो चुका था, तो आज हम बनाएंगे तो लाजमी भेजेंगे। तो कुछ भी नहीं, कुछ ये दे। कल तो नहीं भेजी ना। उन्होंने सुन लिया है अभी फिर। कितना की टाइम गुजारना हटू, मैं कहना लेट आ ही जावे थोड़ी जी, नहाना तो नहीं, पानी पीने दिल कर दिया। अभी हम वापस जा रहे हैं, लाइट का काफ़ी टाइम इंतज़ार किया, बस एक दिल कर रहा था ट्यूबवेल का जो पानी है ठंडा ठंडा सा, और काफ़ी मज़े का होता है पानी है,
तो वो पीने को दिल करा था, लेकिन लाइट का पता नहीं, जब जाती है दो दो तीन तीन घंटे नहीं आ रही है आज। तो बस अभी घर वापस हैं, जाके देखते हैं, खाना भी तैयार हो चुका होगा, तो उम्मीद है इसी टाइम ही खाना खाया जाएगा आज, कल की तरह लेट नहीं होंगे आज हम। ये चाहे खाले में गिर जाए इसको कोई परवाह नहीं है, ये नीचे खाला है, ये देखें, ये देखें, मोबाइल में इतना घुसा हुआ है इसको कुछ नहीं पता कि चाहे थोड़ा सा पाँव इधर हो गया। तेरे पीछे पीछे हूँ मैं। ये हमारी कल वाली वीडियो जो अपलोड हो रही है, कल वाला व्लॉग जो इसी टाइम हम अपलोड करते हैं, तो बस ये थोड़ी सी रह गई है, होने वाला है अभी। तो खाना जब हम आए थे उस वक्त अभी तैयार नहीं हुआ था, खाना भी हमने खाना है, तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैं वीडियो अपलोड करने लग गया था, तो वीडियो अभी थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगी, तो जैसे अपलोड होगी उसके बाद हम खाना खाएंगे। तो अब तो खाना तैयार है, बस ये मेरा थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी सब कुछ टैग वगैरह टाइटल वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखी हुई है और थंबनेल भी लगा हुआ है, सिर्फ अपलोडिंग के बाद इसको पब्लिश करना है, बस वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये जो 6 मिनट का टाइम ले रहा है, तो फिर उसके बाद हम खाना ही खाएंगे, तो आप दोस्तों को भी दिखाएंगे कि आज हमारे घर में क्या पका है और खाने में क्या है। ये शलजम मटर है और साथ ही ये चने वाले चावल हैं और रोटी है हमारी।